हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि वीडियो थोड़ी डिले हो गई है, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। लेकिन अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कल बजट पेश हुआ और सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि आगे कितनी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं आपको बहुत भर भर के नौकरी मिलने की, है ना। समझ आ गया होगा ना। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो वैकेंसी है ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट में आप लोगों ने देखा कि कितनी वैकेंसीज की बात हुई है, क्या हुई है, वो सब पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों को कि ये बहुत अच्छा चांस है। इसके बाद ऐसा चांस कभी आने वाला नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मत खो, क्योंकि बार बार कहना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन भाई समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को पता है कि अभी तो आपके पास टाइम है कि 2 महीने में आप लोग अपने आप को बूस्ट दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। अभी क्या है, अभी तो स्टार्ट हुआ है बहुत अच्छे से। आप लोग उस वाले चैनल पे, जो दूसरा चैनल है अपना बीआईपी गुरुजी ब्लॉग्स वाला, ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन वाला चैनल है, उस पे अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे देखें, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो यहीं रहें। वहाँ जाने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बजट में भी देख लिया बहुत अच्छे से। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ ये आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि भैया NSEIT जो भी कंपनी है या TCS कंपनी, तो TCS से पेपर करवाना चाहिए। तो देखो, आप लोग अपनी जो भी बातें हैं वहाँ पे रख सकते हो, जो उन्होंने कंसर्न दे रखा है कि भैया वेबसाइट पे जाके फिल करना है, वहाँ पे आप फिल करिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पेपर कोई भी कंपनी बना ले, आप जो पढ़ रहे हो उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन की मैं बात करता नहीं, अदरवाइज जो आप पढ़ रहे हो उससे बाहर पेपर जाएगा नहीं। समझ आ गई, तो बस इतनी टेंशन मत लेना। और एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक ये, एक बच्चे ने मुझसे कहा, मैं भी पहले ऐसे सोचता था, एक बच्चे ने कहा कि भैया ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि सारे रेलवे बोर्ड की जैसे SSC कट ऑफ लगाती है ओवरऑल, और फिर उसके बाद बांटती है, तो क्यों ना रेलवे ऐसा करे कि कई बार ऐसा होता है कि इलाहाबाद की कट ऑफ जा रही है 90 और एक जगह पे 60 पे सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये तो मतलब टैलेंटेड बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है ना। आपको ऐसे करना चाहिए कि भाई आप प्रिफ्रेंस भरवा लो हमसे कि हमें पहले नंबर पे चाहिए भैया RRB इलाहाबाद की जितने भी हैं डिवीज़न, और फिर दूसरे नंबर पे हमें चाहिए ये, और पूरे ऑल ओवर इंडिया पे कट ऑफ लगाओ, अलग अलग बोर्डों की झंझट ही खत्म हो जाएगी। SSC की तरह करो जैसे SSC करती है या बाकी डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग अपने सजेशन रख सकते हो इसके ऊपर भी कि भाई ऐसा कर। वैसे ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है ये, क्योंकि रेलवे जो है इसी तरीके से काम करता आ रहा है बहुत पहले से, बटे हुए हैं सारे बोर्ड और उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी सजेशन देने का मौका मिला है, तो इससे अच्छी बात क्या है, आप लोग आराम से सजेशन दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। देखो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपने जो प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर रखा होगा, मान लो RRB इलाहाबाद रखा है, तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। और आपके बेकार मार्क्स आएंगे तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि वहाँ पे 60 मार्क्स वाला सिलेक्शन ले लेगा और आपका यहाँ 80 मार्क्स पे भी सिलेक्शन रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस हैं। और जो CBT 2 वाला है उसके चांसेस पूरे पूरे हैं कि CBT 2 नहीं होगा, ठीक है। आपका CBT 1 के बेस पे ही सब कुछ होने वाला है, और NTPC का रिजल्ट भी जैसे बच्चे मांग रहे हैं वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सब लोगों को पता है कि कितनी बुरे हालात हो सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि भैया ज़्यादा नाराज़गी हो। और फिर दूसरी चीज़, जब कमेटी को सजेशन भेजे जा रहे हैं तो सारे बच्चे सजेशन क्या भेज रहे होंगे, एक ही सजेशन भेज रहे होंगे कि भैया NTPC में 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई करवाओ और CBT 2 मत करवाओ, यही सबके सजेशन जा रहे होंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग ये वाले सजेशन भेज के सबसे पहले तो ये बोलो कि ग्रुप D एज इट इज़ कराओ, जैसे 2018 में कराया था, उसमें मेडिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों की सोल्व हो जाएगी, जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं वो वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। आप तो बोलो कि जैसे 2018 में हुआ था, जैसे नोटिफिकेशन निकला है एज इट इज़ कराओ, उसमें चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ हो जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए बात करते हैं टारगेट्स की, आज टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बात करने का टाइम भी नहीं है, और मेरे पास आज क्या है जो स्पेस है वो भी नहीं है, इसलिए यहां पर बात कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो, आज आपके जो स्टैटिक GK और साइंस और मैथ्स और रीजनिंग में, आप लोगों को बता दूं कि देखो आपके पास अब मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। अब ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इन पे बहुत अच्छे से मैं वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूं, और अब मेरे पास इतना टाइम बचेगा कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड कराना शुरू करूंगा। हो सकता है आज भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो आ जाए। रीजनिंग का लगभग पार्ट सब कुछ निपट चुका है, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जिन पे मैं अपने लेक्चर प्रोवाइड कराना चाहता हूं, और अब तो आप प्रैक्टिस करिए बस, वही सब कुछ है, ठीक है।
अब बात करते हैं, चलिए इसकी स्टैटिक जीके में मैंने पहली चीज दी है नवगठित जांच समितियां। ये जो समितियां बन रही है, जैसे अभी बनी है ना एक कमेटी, इस तरीके से कमेटी बनती रहती है अलग अलग चीजों के लिए, तो उसमें कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है जो हमें करनी है, और इसके अलावा कुछ पहली इंपॉर्टेंट समितियां बनी थी, जैसे पंचायती राज के लिए कौन सी बनी थी, इसके लिए जो चीजें हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो वो वाली जो कमेटियां हैं वो हमें आयोग और कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, तो ये मैं बता दूंगा, आप लोग उस चीज को कर लेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे नमामि गंगे है, ठीक है, और डिजिटल इंडिया है, जनधन योजना है, इनसे बहुत हद तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि डेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो डेट से कम पूछे जाते हैं। अब आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च हुई, 2014 में कि 15 में कि 16 में, ये आपको एक तो सन पता होनी चाहिए, उसकी ईयर पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इस योजना का किस मकसद से चलाई गई है ये योजना। बस अगर आप जैसे उज्ज्वला योजना पूछ ली उसने कि उज्ज्वला योजना किस मकसद से चलाई गई, तो उसमें नीचे चार ऑप्शंस आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आपको योजना के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो योजना है किस लाभ के लिए, मतलब किस मकसद से बनाई गई है। तो आपको अगर योजना का मकसद पता है और बस ईयर भी पता है तो आपके लिए इनफ है, कोई ज्यादा डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आज बहुत अच्छी चीज यह है, हाँ राष्ट्रीय खेल की बात कर लेता हूं, पहले मैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आप लोगों को बता भी चुका हूं, इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम चेंज हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, नीचे कमेंट करके बताना कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो 12 नाम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाले 12 नाम, उसके अलावा करो मत करो वो बात की बात है, मैं आज दूंगा मतलब मार्क करके, अगर एक दो और इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो जो है 12 नाम वो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है बहुत बड़ा अवार्ड होता है, होता था होता रहेगा, इसलिए उसमें जितने भी नाम है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले एक या दो बंदों को मिलता था, पता नहीं इस बार कैसे 12 लोगों को दे दिया है, ठीक है, इससे पिछली बार भी 5 को दिया था, 5-6 को, लेकिन आमूमन दिया नहीं जाता था इतने लोगों को, एक या दो को ही मिलता था, ठीक है। टेनिस ग्रैंड स्लैम आज इसकी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, बहुत अच्छी वीडियो, पहले मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार आप खुद देख लेना कि कितना बुरे हालात रहते हैं, उसके बाद जब मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तब आप देख लेना कि कैसे आपको चुटकियों में चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। ऑल टेनिस अवार्ड बता देंगे फॉर्मूला वन से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अब बस हमारा जो अवार्ड वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हमें करना है, क्योंकि अवार्ड लगातार पूछे जाते हैं, वो सरस्वती सम्मान हो, बुकर अवार्ड हो, ये हो, लेकिन इन्हें एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को करा दिया जाएगा, जैसे मैन बुकर अवार्ड होता है, बुकर अवार्ड होता है, इंटरनेशनल अवार्ड होता है, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसी का कुछ में घुस देंगे किसी का कुछ में, तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक वे में वो सारी चीजें करवाऊंगा। चलिए इस खेल का परिदृश्य, स्पोर्ट्स के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को पता है कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं, सिर्फ दिसंबर के बचे हैं, तो ये नवंबर और दिसंबर का आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपका काम खत्म, ठीक है। बस अब सारी डेट हो गई हैं, उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, वहीं से डेट फंसेगी, ठीक है। चलिए साइंस में बात करूं तो मात्रकों की पद्धति से क्वेश्चंस मैं डालूंगा आज टेलीग्राम ग्रुप में। मात्रकों की पद्धति का मतलब है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसमें क्या है, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स दे रखी हैं, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्टेंस से रिलेटेड हो, तो वो आप लोगों को ये करने हैं सिस्टम, चाहे वो CGS पद्धति हो, MKS पद्धति हो, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका क्या है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है अर्ग भी मात्रक है, जूल भी मात्रक है, डाइन भी मात्रक है, न्यूटन भी मात्रक है, तो ये किस तरह से होते हैं, ये एक जगह आपको सिस्टमेटिक वे में आज मिल जाएंगे। पशु और उनकी नस्लें हैं तो बहुत सारी, लेकिन हमारे लिए गाय भैंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, गाय भैंस और मुर्गों की, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे साहिवाल किसकी नस्ल है, ये पूछ लेगा क्वेश्चन, साहिवाल किसकी नस्ल है, तो बता भी देना जरा एक बार कि गाय की है कि भैंस की है कि बकरी की है, किसकी नस्ल है ये बता देना जरूर, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र, ये आज मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, छोटी सी वीडियो जाएगी उस वाले चैनल पे, जो छोटा वाला चैनल है अपना, ठीक है, ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन वाला, उस वाले चैनल पे ये वाली वीडियो जाएगी कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र। क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर भैया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, तो इस चैप्टर से आप लोगों को आधा चैप्टर मैंने पहले दे रखा था आप लोगों को, तो इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उभयधर्मी ऑक्साइड के अलावा यहां पे
ये वाली जो सीरीज है ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक होती है, अगर ना आए तो बता देना मैं याद करवा दूंगा। सक्रियता श्रेणी होती है धातुओं की, इससे ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किसे रिप्लेस कर देगा, जैसे कॉपर की जगह पे जिंक आएगा कि नहीं आएगा, जेडन को कब कॉपर रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग होता है, कौन ऊपर है कौन नीचे उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। चलिए ये वाली चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप लोगों को थर्मिट वेल्डिंग का पता ही होगा भाई, रेलवेज में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको कोरोजन के बारे में पता होना चाहिए कि संक्षारण क्या चीज़ होती है और बस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, इसमें ही लोहे पे जंग लगने वाली चीज़ आ जाती है, जो आप लोग कर लेंगे तो हो जाएगा, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और मैं इस चैप्टर की PDF तो आप लोगों को दूंगा, लेकिन आपके पास भैया हार्ड कॉपी में बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए और यहाँ पर मैथ्स की बात करता हूँ, तो टाइम एंड डिस्टेंस के RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं। और रीजनिंग में आभासिक प्रश्न, आभासिक का मतलब इसकी कोई भाषा नहीं है, आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के होंगे, चाहे वो आकृति पूर्ण करनी हो, चाहे उससे अगली आकृति बतानी हो, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आज शायद लास्ट डे है उन लोगों का 2 फरवरी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं 4:2:1 की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। मोटिवेशनल वीडियो आएगी, उसे देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो वाली बातें पहले से पता हो, लेकिन बहुत से न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो वीडियो आ रही है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।